मेरे संज्ञान में आया है कि मीडिया द्वारा यह भ्रामक विचार फैलाया जा रहा है कि मेरे द्वारा आज कोई सूची अवैध कॉलोनाइजर्स की जारी की गई है, यह गलत है। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है और यह कार्य प्रगति पर है। जांच होने के उपरांत यह जानकारी मिलेगी कि कौन से जगह पर जो अवैध कॉलोनी है, कौन उसके निर्माणकर्ता है। इसके पूर्व ही मीडिया द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। देखिए, अयोध्या विकास प्राधिकरण की जो सूची आई है वो पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको बदनाम करने की साजिश है। विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। वो जब प्रभु राम का भव्य मंदिर वहाँ निर्माण हो रहा था, तब से लेकर उनके मन में बड़ी पीड़ा है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा के बजाय वो विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लोग प्रभु राम का मंदिर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल के लोग हैं उनके पास सिर्फ यही मुद्दा है कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जन जन तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों को लेकर के जा रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। जबकि जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं, विपक्षी दल के जो नेता हैं, केवल दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से, बदनाम करने के उद्देश्य से, बदनीयत के उद्देश्य से इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जो अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सूची जारी की है पूरी तरह से मनगढ़ंत है, फर्जी है। विकास प्राधिकरण ने ऐसी कोई सूची जारी नहीं की है, वो पूरी तरह से बनाई हुई सूची है, केवल बदनाम करने की एक साजिश है। और इस मामले में भी जाँच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।